नथिंग फोन 3 इस साल हमें नहीं देखने को मिलेगा, ऑलमोस्ट दाल भाई ने भी कंफर्म कर दिया है। बट उसकी जगह पर एक बजट फोन मिलेगा नथिंग के एंड से, जो कि CMF की तरफ से आने वाला है। अब जिनको पता होगा कि CMF नथिंग का ही एक ब्रांड है, जो आपको बजट सेगमेंट में ईयरफोन और TWS मार्केट में लॉन्च करता है। पर भाई CMF की तरफ से एक बजट फोन पहली बार आपको मिलने वाला है, और आज हम इसी फोन के बारे में बात करेंगे कि इसका प्राइस क्या रहने वाला है, स्पेक्स क्या होने वाला है इसमें, क्या हमें इस फोन का वेट करना चाहिए या फिर हमें नथिंग फोन 2 या फिर नथिंग फोन 1 को बाय कर लेना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि इस फोन में सबसे पहले जो चेंजिंग देखने को मिलेगा वो इसके डिजाइन में रहेगा, क्योंकि नथिंग जितने भी फोन को अभी तक मार्केट में लॉन्च किया है ना, वो ट्रांसपेरेंट बैक पैनल के साथ में ना भाई आपको LED लाइट देखने को मिला था, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया गया। बैक पैनल आपको मिलेगा प्लास्टिक का, हो सकता प्लास्टिक ही रहे क्योंकि देखने में वैसा ही लगता है बिल्कुल, और डिजाइन बिल्कुल भी चेंज आपको देखने को मिलेगा। कैमरा सेटअप आपको पहले जो नथिंग फोन 2 आया था वो बिल्कुल बीच में था, लोगों को इस टाइप का कैमरा पसंद नहीं आया था, तो अब की बार CMF का जो फोन 1 आ रहा है ना, इसमें आपको मिलेगा जिस तरह का नथिंग फोन 1 और नथिंग फोन 2 में आया था कैमरा, उसी टाइप का रहेगा। पर मैं आपको इसमें एक प्लस पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, ये मैं आपको बता दूं, ये 3 से 4 कलर में देखने को मिलेगा, और जो कलर है ना सब कुछ कलर अच्छा ही लगता है। और इसमें एक प्लस पॉइंट ये है भाई कि आप ना भाई CMF का जितना भी ईयरफोन वाला बॉक्स देखोगे ना, उसमें आपको रोटेटिंग का आपको क्राउन देखने को मिलेगा, और यही रोटेटिंग क्राउन ना आपको CMF के फोन में नीचे के साइड देखने में मिलेगा। तो यहां पर ना इसमें कुछ आपको न्यू आपको डिजाइन देखने को मिलेगा, यानी कि इस फोन में पहली बार इस टाइप का डिजाइन आ रहा है। और मैं आपको बता दूं कि काल भाई ने बताया था कि मैं साल में एक ही फोन को मार्केट में लॉन्च करूंगा जो नथिंग का रहेगा, पर इन्होंने देखा कि हमारे पास एक और भी ब्रांड है जो CMF है, तो क्यों ना मैं उसे एक कम बजट में फोन को लॉन्च करूं उसी नाम से। तो CMF के स्मार्टफोन अब लॉन्च होने वाले हैं, जो भाई जुलाई के फर्स्ट वीक में देखने को मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि फ्लिपकार्ट पर इसका टीजर भी चल रहा है कमिंग सून में, जो फर्स्ट वीक में जुलाई के देखने को मिल सकता है। और इसमें हमें जो सबसे बड़ा चेंजिंग देखने को मिला है ना, वो है इसका प्रोसेसर। इसमें आपको MediaTek Dimensity 7300 का प्रोसेसर मिलेगा। तो बहुत से लोग सोचेंगे कि ये तो नथिंग फोन 2 ऐसे भी तगड़ा चलेगा, ये भाई MediaTek 7050 का रिब्रांड है जो ये वाला प्रोसेसर है 7300। तो उतना कुछ खास आपको हाई क्वालिटी देखने को नहीं मिलेगा परफॉर्मेंस में, तो वैसे गेमिंग के लिए अच्छा रहेगा पर इस बजट में इतना तगड़ा होना चाहिए। अगर स्टोरेज की बात किया जाए ना, तो इसमें आपको 6GB 128GB वाला वेरिएंट मिलेगा और 8GB 256GB वाला वेरिएंट मिलेगा, दोनों काफी अच्छा है। और वहीं पर अगर कैमरा के बारे में बात किया जाए ना, तो डुअल कैमरा इसका मेन सेंसर मुझे ज्यादा पता है कि 50MP का मिलेगा। अगर आता है तो आप देख लेना कि नथिंग फोन 2A का ही कैमरा देखने को मिलेगा, पर इसमें आपको अल्ट्रा वाइड का भी कुछ भी पता नहीं कितना हो सकता है। हो सकता है अगर डिप्ट कैमरा लगा देंगे तो भाई बहुत बेकार हो जाएगा, और दोनों 50MP का आएगा तो काफी तगड़ा काफी ढासो फोन रहेगा। अगर डिस्प्ले को देखा जाए ना, तो डिस्प्ले बिल्कुल मुझे जहां तक पता है कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिलेगा, और जो सेंसर होते हैं वो सारे देखने को मिलेंगे, और यहां पर NFC का सपोर्ट हमें नहीं देखने को मिला कहीं पर भी। जितने भी हमने लीक्स देखे ना, वहां पर कहीं पर भी आपको NFC का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब कि NFC इसमें नहीं आने वाला है। तो और जितने भी सेंसर है ना, वो सारे देखने को मिलेंगे, और डिस्प्ले ना बिल्कुल नथिंग फोन 2A के जैसा देखने को मिलेगा, बिल्कुल उसी का टाइप रहेगा और क्वालिटी भी अच्छा आपको नजर आएगा। अगर बैटरी बैकअप चार्जिंग की बात किया जाए ना, तो 5000 में बैटरी मिलेगा और 33 वाट का एक चार्जर देखने को मिलने वाला। तो यहाँ पर भाई जो फीचर्स आने वाले ना, इस बजट में काफी नेक्स्ट लेवल के रहेंगे। अगर प्राइस की बात कर लेना, तो यहाँ पर मुझे जहां तक पता है कि 19,999 रुपए से इसका 6GB 128GB वाला वेरिएंट स्टार्ट रहेगा। अगर कार्ड वार्ड आप लगाओगे फ्लिपकार्ट पर, तो 2000 तक का आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, यानी कि 17,999 रुपए में ये फोन आपको मिलेगा। और इसका दूसरा वाला वेरिएंट है उससे ऊपर रहेगा, हो सकता है 20 तक देखने को मिले। पर ये कब लॉन्च होने वाला है ये मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जुलाई के फर्स्ट वीक में देखने को मिलेगा, क्योंकि फ्लिपकार्ट पर इसका टीजर चल रहा है, तो जब भी टीजर आता है तो काफी कम समय में स्मार्टफोन को इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया जाता है। तो आप कमेंट में बताना कि ये फोन आपको कैसा लगेगा, एक बार कमेंट में जरूर बताना। मुझे तो ये फोन उतना कुछ खास नहीं लग रहा है, क्योंकि इसमें ना भाई बहुत सारी चीजें ऐसे जो न्यू देखने को मिलेगा, तो बहुत से लोग इसे पसंद करेंगे, पर मुझे ये फोन उतना अच्छा नहीं लग रहा है देखने में। आपको ये फोन कैसा लग रहा है कमेंट में बता के जाना। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो के साथ अगले दिन।